नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर इंडिया एसएस होल्डिंग लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, जो कि पहले एयर इंडिया का पार्ट हुआ करती थी। उसमें जो इंजीनियरिंग पार्ट वाली कंपनी है, जिसको एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड कहा जाता है, उसमें निकली वैकेंसी के बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों, इसमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई है, जिसमें कुल मिला के 209 वैकेंसी है। बात करें तो उसमें अलग अलग स्टेशंस की वैकेंसी है, जिसमें दिल्ली में 87, मुंबई में 70, कोलकाता में 12, हैदराबाद में 10, नागपुर में 10 और तिरुवनंतपुरम में 20 वैकेंसी, यानी टोटल मिला के 209 वैकेंसी है। सबसे पहले बात करेंगे इसके क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए उन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है, बट फुल टाइम डिग्री कोर्स मांगा है, जिसमें बीएससी, बीकॉम या बीए 3 ईयर्स फुल डिग्री कोर्स होना चाहिए, और इसमें 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड जॉब, जैसे कि डाटा एंट्री का काम हो गया या फिर कोई भी ऑफिस वर्क जो विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर थिंग्स, वो होना चाहिए। मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगना है और 1 ईयर का उनका कोर्स होना चाहिए, ये इनका रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दोस्तों, बात करें तो जनरल में एज क्राइटेरिया की, तो जनरल में एज क्राइटेरिया अप टू 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 जैसा हम सबको पता है। ओबीसी में नॉट एबव 38 ईयर्स, मतलब 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का एज का क्राइटेरिया उन्होंने 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स लाइक 40 ईयर्स से कम वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं, और 18 एबव से ज़्यादा वाले, मतलब 18 टू 14 का कैटेगरी है एससी एसटी के लिए। इसके अलावा भी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ और भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। दोस्तों, बात करें तो इसकी सैलरी के बारे में, तो इसकी सैलरी है 27,000 जो कंसोलिडेटेड है, जिसमें आपको पीएफ वगैरह सब उसी में से कटेंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ इनकम नहीं है और इसमें कोई डीए नहीं है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, वेदर दिस इज़ द पार्ट ऑफ AIAHL एयर इंडिया एसएस होल्डिंग लिमिटेड, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें कोई डीए नहीं है। दोस्तों, इनका कंसोलिडेटेड 27,000 की सैलरी है, जिसमें से आपको पीएफ वगैरह कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स जो भी है वो कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा, और काटपीट के आपको 21-22,000 के आसपास सैलरी मिलनी चाहिए। बात करें तो इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मतलब वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, जिसमें 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा आपको, बाद में आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब 5 साल के बाद 5 साल, 5 साल, 5 साल एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले 5 साल, फिर 5 साल, ऐसे चलता रहेगा। बात करें तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो बता दें दोस्तों कि इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, जैसे इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ एक फॉर्म भी दिया है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म है, एक ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म जो आपका ऑप्शन है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन से मिलेगा, जो सबसे नीचे में फॉर्म है, तीन पेजों का फॉर्म है, और एक ऑनलाइन फॉर्म भी है, जिसको आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ऑफलाइन फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिलअप करने के बाद सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल्सो वेल एंड फाइन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर हो तो बेटर है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ जो है आपका बर्थ भी मिल जाएगा और प्रिंसिपल का सिग्नेचर, जैसा कि वो मांग रहे हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ एससी एसटी अगर हो या ओबीसी हो, तो उस केस में उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा है। आपको जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद वो ऑफलाइन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, जो एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में है, उसको डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है सिक्वेंसली, जैसे जैसे दिया गया आपको आराम से उसमें सब कुछ, देख में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, आपको देख के सब कुछ समझ में आएगा कैसे फिलअप करना है। उसके साथ सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करने के बाद सारे को स्कैन कर लेनी है, और इसका एप्लीकेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल और ओबीसी के लिए उन्होंने 1,000 का फ़ी रखा है, एससी एसटी को रिलैक्सेशन है और एक सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन है, मतलब फ़ी सिर्फ जनरल और ओबीसी को ही लगेगा दोस्तों। तो आपको उसके उस 1,000 का फ़ी आपको पे कैसे करना है, वह मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें NEFT या फिर RTGS के थ्रू करना है। दैट मीन्स लाइक मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, अगर आप NEFT करते हैं तो, अगर इनका जो पेई बैंक है वो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में करना है, जिनका पेई बैंक SBI है, तो सेम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, तो मुझे पता नहीं क्योंकि उन्होंने NEFT RTGS मांगा है, तो बेटर है कि आप NEFT मतलब दूसरे बैंक से करके उनको NEFT या RTGS ही दें, तो आपके कॉल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वहीं बात करें तो NEFT का जो आपको रिसीट मिलेगा, उसके अलॉन्ग विथ जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन से
डाउनलोड किया है उस फॉर्म को और ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिसको आपने अटेस्टेड किया है सबको एक साथ अटैच करके आपको मेल करना है career@aiesl.in, मतलब इस मेल पे आपको भेजना है। ये हो गया ऑफलाइन का प्रोसेस। ये करने के तुरंत बाद आपको उनके ऑनलाइन वाले फॉर्म वाले लिंक पे जाना है, वहाँ पे आपको रिसीट का वो मांगे हैं कि वो प्रूफ कौन सा है, उसके अलॉन्ग विथ जितने भी आपका डिटेल्स जो आपने ऑफलाइन फिलअप किया है वो आपको ऑनलाइन भी फिलअप करना है। कोई भी एक भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए, और क्या है कि वो आपको RTGS और NEFT का डिटेल्स भी उसमें देना रहेगा। ये सारा फॉर्म आप उसमें फिलअप करेंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मतलब उसमें आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन और योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड ऑलरेडी, ऐसे करके आएगा एक्नॉलेजमेंट। और वो करने के बाद आपको मेल करने के बाद जैसे ही उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन 14 जनवरी तक खुला है शाम के 5 बजे तक, तो तब जब तक उनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है मतलब तब तक तो नहीं, उसके बाद जब जैसे ही उनका एप्लीकेशन ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब वो जाके एक एक करके बुलाना शुरू करेंगे दोस्तों। और रही बात अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों बता दें इनका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें MS Word उन्होंने क्लियर मेंशन किया है, MS Word, MS Excel और MS PowerPoint, मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MS Word में क्या क्या होता है, MS Excel में कैसे काम करते हैं, MS PowerPoint में प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में दोस्तों। अगर आपके पास ये सारे चीज़ें अवेलेबल है जो कि मैंने बताया, जो क्वालिफिकेशन डिग्री कोर्स 3 ईयर्स, इसके अलावा 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है या फिर 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, हाँ एक बात मैंने बता दी, जो जिनका ये 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स है IT फील्ड में, जिन्होंने 3 ईयर्स का डिग्री कोर्स किया IT फील्ड में, उनके लिए 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स रिक्वायर नहीं है, मतलब उनको सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर जॉब वर्क या कोई भी मतलब डाटा एंट्री का काम या कहीं भी 1 साल का किया है उन्होंने, तो दैट इज़ वेल एंड फाइन। सिर्फ आपको वो डिग्री कोर्स IT से अगर उन्होंने किया है तो वही होना चाहिए, उसके अलावा आपको कोई और 1 ईयर का कहीं एक्स्ट्रा कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो ये सारा प्रोसीजर है आपके असिस्टेंट सुपरवाइज़र का पोस्ट जो कि AIESL में निकला है उसके लिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपका ये डिग्री अवेलेबल है, आपके पास ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपके पास ये रेलिवेंट सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।